वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपीपीसीएल टीजीक्यू से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट, और ये अपडेट है यूपीपीसीएल टीजीक्यू की अपकमिंग वैकेंसी से रिलेटेड। जी हाँ, जैसा कि मैं आपसे काफी समय से कह रहा था कि यूपीपीसीएल में ये वैकेंसी आएगी और टीजीक्यू या लाइनमैन की वैकेंसी आ सकती है, और ये वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है, तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीपीसीएल में टीजीक्यू की 2019 में बम्पर वैकेंसी आने वाली है, और ये वैकेंसी कब आ रही है और कैसे आ रही है और कैसे मालूम पड़ा कि वैकेंसी आ रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी और विथ प्रूफ आपको बताया जाएगा कि यूपीपीसीएल में वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए और इस वीडियो को अभी लाइक करिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि सभी को मालूम हो जाए कि यूपीपीसीएल में वैकेंसीज आ रही हैं। तो इस बम्पर भर्ती के लिए आप लोग तैयारी में लग जाइए, और जो लोग निराश हो गए थे कि अब यूपीपीसीएल में वैकेंसी नहीं आएगी वो निराश ना हो और तैयारी में लग जाएं। आप तैयारी अपने से भी कर सकते हैं और आप लखनऊ आकर के इलेक्ट्रिकल विजन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 महीने का समय आपका लिया जाएगा और इस 3 महीने में आपको अच्छी से अच्छी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने एक इमेज आ रही है, ये है आपका मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी ऑफिस पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम का एक लेटर जो कि ईमेल या डाक द्वारा दूसरे को भेजा गया है। इसमें देखिए क्या लिखा है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले जो ऊपर लिखा है वो है संख्या 1730/पश्चिमांचल वितरण विद्युत निगम लिमिटेड, लास्ट में इसमें लिखा है TG2। इसका मतलब ये जो लेटर है ये आपका TG2 से संबंधित है, और इसकी जो डेट आपकी पड़ी हुई है वो आपकी डेट है 23 जुलाई 2019। इसका मतलब ये लेटर जो है ये 23 जुलाई 2019 को जारी किया गया है, और ये लेटर जारी किया है पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से, उसके MD ऑफिस की तरफ से। और इसका विषय आप देखिए, विषय इसमें लिखा है कि टेक्नीशियन विद्युत के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना दिनांक 30/6/2019 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध कराने के संबंध में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो विषय है, ये जो लेटर है, ये आपका टेक्नीशियन के जो पद हैं उसमें कितने पद रिक्त हैं और कितने नए सृजित पद किए गए हैं, इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने के लिए ये पद लिखा गया है, और ये पद जो है वो भेजा गया है मुख्य अभियंता वितरण मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, नोएडा, मुख्य अभियंता जानपद वितरण मेरठ, अधीक्षण अभियंता विद्युत कार्यशाला निर्माण एवं कार्य मंडल मेरठ, अधीक्षण अभियंता मुख्यालय पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मेरठ, इतनी जगह पर ये चीज भेजा गया है। और इसमें देखिए नीचे जो मेन लाइन जो आपकी लिखी है उसमें देखिए साइड में आपको लिख सकते हैं, देख में क्लियरली लिखा हुआ है कि सर्वोच्च प्राथमिकता पर तत्काल आज ही। इसका मतलब ये जो लेटर है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस लेटर को बहुत ही जल्दी आपको आगे बढ़ाना होगा जिसको ये भेजा गया है। तो इसमें इसीलिए लिखा है तत्काल आज ही, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन इस लेटर के थ्रू मांगी जा रही है इसको क्लियरली लिखा है कि तुरंत आप इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराइए। इसमें देखिए आपको पढ़ के बताता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। देखिए लिखा है कृपया उपरोक्त विषय मुख्य अभियंता हाइडल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ के पत्र संख्या दिनांक 23/7/2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कॉर्पोरेशन स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराया है कि दिनांक 30 जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार टेक्नीशियन विद्युत के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना कॉर्पोरेशन को तत्काल उपलब्ध कराया जाना है। तो क्लियरली आप इसमें ये लाइन देख सकते हैं कि इसमें जो मेन डिटेल्स मांगी गई है वो 30 जून 2019 तक जो आपका मेरठ जोन है, जो आपका पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम है, वहां पर कितने TG2, कितने जो आपके टेक्नीशियंस हैं उसमें कितने पद खाली हैं, कितने नए सृजित पद हैं और कितने लोग काम कर रहे हैं, ये डिटेल्स मांगी गई है। और ये 30 जून 2019
तक की डिटेल्स मांगी गई। आपको पता है कि 1 तारीख को आपका ये जो लाइनमैन वाला फॉर्म था ये कैंसिल हो चुका था। 1 तारीख को अनाउंसमेंट हुई थी कि लाइनमैन की वैकेंसी नहीं आएगी और लाइनमैन का ये जो भर्ती है ये रद्द की जा रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो डेट डेट वही है जिस डेट से पहले तक लाइनमैन की भर्ती थी और जिस डेट के बाद लाइनमैन की भर्ती रद्द कर दी गई। इसका मतलब क्लियरली ये है कि 30 तारीख तक की जो डिटेल्ड जो इंफॉर्मेशन है जो कि TG2 की वैकेंसी से रिलेटेड है, जो कि खाली सीटों से रिलेटेड है, वो मांगा गया है। और इससे ये समझ में आ रहा है कि भविष्य में बहुत ही जल्द TG2 की बम्पर वैकेंसी आ सकती है। अब बात करते हैं कि जो पश्चिमांचल जो मेरठ जोन है उसमें जो नीचे जो आपको टेबल दी हुई है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें डिस्कॉम का नाम लिखा है। मेरठ जो आपका डिस्कॉम है उसमें लिखा है कि कुल जो पद हैं वो आपके हैं 2585 यानी 2585। इसमें से 90% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और 10% पद प्रोन्नति यानी प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो देखिए कितने पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं, वो है आपका 2387, 2327, 2327, 2327। सोचिए बहुत बड़ी पद है, सिर्फ एक जोन यानी मेरठ जोन में अगर TG2 की 2300 वैकेंसीज हैं, अगर सिर्फ मेरठ जोन में TG2 की 2300 वैकेंसीज हैं तो सोचिए UPBCL में कई जोन्स हैं, मध्यांचल है, पूर्वांचल है, दक्षिणांचल है और इसके अलावा जो मेरठ जोन है वो तो है ही है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बम्पर वैकेंसी UPBCL में आने वाली है। और इस संबंध में उपरोक्त पद की छायापति संलग्न करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्र मंडल के अधीन तैनात दिनांक 30/6/2019 तक की स्थिति के अनुसार टेक्नीशियन विद्युत के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना उपरोक्त प्रारूप पर अपने स्तर पर संकलित तत्काल आज ही 2 बजे तक ईमेल आईडी पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो आपने देखा कि ये लेटर जो है, ये जो मेल है, ये इसमें आपको समय सीमा भी उन लोगों को दे दी गई है कि तुरंत आपको ये लेटर मिलते साथ ही, आपको ये मेल प्राप्त होते साथ ही 2 बजे तक आपको ईमेल आईडी पर जो आपकी डिटेल्स हैं कि कितनी वैकेंसीज TG2 की खाली हैं और कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, कितने पद खाली हैं, कितने नए सृजित किए गए हैं, ये सब डिटेल्स 2 बजे तक उसी दिन आपको जो जिसको लेटर भेजा गया है उसको ये देना है। तो क्लियरली दिख सकता है, मंशा साफ है कि बहुत ही जल्द बम्पर वैकेंसी TG2 की आ रही है और ये जो प्रोसेस है ये बहुत फास्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं तुरंत लिखा है तत्काल आज ही, मतलब बहुत ही गवर्नमेंट को बहुत जल्दी है कि वैकेंसी जल्दी से जल्दी फिल करी जाए। तो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है और आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। जो लोग निराश हो गए थे और कह रहे थे वैकेंसी नहीं आ रही है तो वो लोग निराश ना हो, और जो लोग प्राइवेटाइजेशन का रोना रो रहे थे उन लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा सबक है। और ये बात सच है कि निराश होने वाला हमेशा निराश ही रहता है और पॉजिटिव सोचने वाला ही हमेशा आगे बढ़ता है। तो आप लोग पॉजिटिव सोचिए और ये जो वैकेंसी आ रही है, जो बम्पर वैकेंसी आ रही है, इसके लिए आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए और अच्छी से अच्छी तैयारी करिए। इसके लिए आप लोग इलेक्ट्रिकल विजन द्वारा तैयार स्टडी मटेरियल को अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ये टेक्निकल और कंप्यूटर दोनों के लिए तैयार किया गया है। तो जब तक इसका फॉर्म ओपन नहीं होता तब तक आप लोग इलेक्ट्रिकल विजन द्वारा तैयार स्टडी मटेरियल से तैयारी करिए और उसकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करने लगिए। जब फॉर्म आ जाए तो आप आकर के इलेक्ट्रिकल विजन क्लासेस में 3 महीने में आप अच्छी से अच्छी तैयारी करके इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप बिल्कुल उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि पढ़ करके आप अच्छे से अच्छा मार्क्स लेंगे और इस बम्पर वैकेंसी में जो कि TG2 की आ रही है उसमें आप जरूर सिलेक्शन पा जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक ये बात पहुंच सके कि UPBCL में TG2 की बम्पर वैकेंसी आ रही है। UPBCL में TG2 ना कि लाइनमैन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, TG2 की बम्पर वैकेंसी आ रही है और ये वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। तो
तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो आप लोग अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन। गुड लक एवरीवन फॉर द अपकमिंग वैकेंसीज एंड बी प्रिपेयर्ड।